الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. کوئی ہے شمع کا عاشق، کوئی گل کا فدائی ہے، کوئی ہے شمع کا عاشق، کوئی گل کا فدائی ہے، مگر میرے محمد پر فدا ساری خدائی ہے. حضور آ جائیے محفل تشنا Thank you.
मैं एक गुजारिश करूंगा कि आप हजरात खासकर खवातीन से भी थोड़ी देर सब्र तहम्मुल का दामन थामे रखें और कुछ चाहता हूँ कि काम की बातें होश गुजार करूँ। हालांकि अब तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, मुकम्मल और मुफस्सल खिताब आपने मौलवी मोहम्मद तासीम साहब से समाप्त कर लिया। चलो बातें उसी में ऐड कर दूँ और ये रजब उल मुरजब का महीना है और इसमें 27 निशान को भी एक दूल्हा रवाना हुआ था। जिसे शबे असरा का दूल्हा कहा जाता है और मेराज का दूल्हा भी कहा जाता है। वो अभी चंद ही रातें शबे मेराज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के ताल्लुक से आप हजरात ने बहुत कुछ सुना होगा। एक रुबाई लिखी गई थी, एक बहुत बड़े दानिश्वर गुजरे हैं हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने दो किताबें लिखी, एक का नाम गुलिस्तान और एक का नाम भूस्तान। वो मौलवी पढ़ाई जाती तो किताबें इत्तेदान पढ़ाई जाती हर मदरसे में, चाहे सुन्नियों का इदारा हो चाहे शियों का इदारा। एक नस्म में है और एक नज्म में, यानी कविताओं में, शेर व शायरी में। और ये कहा जाता है कि इतनी परफेक्ट किताबें, इतनी मैच्योरिटी है उन किताबों के अंदर कि अगर किसी चरवाहे को किताबें पढ़ा दी जाए समझ के साथ और किसी भी मुल्क की हुकूमत उसको दे दी जाए तो वो हुकूमत चलाने के लिए इतने तजुर्बा उन किताबों में लिखे। वो कौन है? वो है शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने एक रुबाई लिखी थी जो आप सुनते हैं हमको। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम सुना है? कहाँ पे मजार? दिल्ली में, है ना? और उनके एक मुरीद थे जो बहुत बड़े अपने वक्त के शायर भी थे, शायर तो बाद में थे, आशिक पहले थे, जानिसार पहले थे। उनका नाम था हजरत अमीर खुसरो। हिंदुस्तान के तारीख में बहुत बड़ा नाम है हजरत अमीर खुसरो का। 500,000 अशार लिखे हैं हिंदुस्तान के तमाम मुरवजा भाषाओं के अंदर, जबानों के। और अक्सर शेर ऐसे हैं कि आप समझे मेरी, जाहिर उसका कुछ होता है, बातिन कुछ होता है। ऊपर कर देते हैं, सही कर देते हैं। नहीं आए तो हजरत सैयदना अमीर खुसरो रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दिलो जान से जानते थे और शायर भी इतने बड़े थे कि सुल्तान था वो अपने साथ में रखता था, अपने फौजियों का हौसला बढ़ाने के लिए, मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाने के लिए। शहरों का काम सिर्फ गजलें लिखना नहीं होता है, पहले जंगी शेर और शायरी से शुरू होती थी, उधर से दिलावर आता था निकल के, वो पढ़ता था कोई भी जिसको, वो शेर जो होते हैं ना जंग के मौके पर पढ़े जाते हैं, वो रिजिया आशार कहलाते हैं।
जैसे कि हजरत अली के मुकाबले में जब ये खैबर में आया था एक पहलवान, तो उसने एक शेर पढ़ा था कि कद अलिमत खैबरो अन्नी मुराहबु शाकियु सिलाहे बदर मुजद, मुझे खैबर का चप्पा चप्पा मराहब पहलवान के नाम से जानता है बच्चे, मेरे मुकाबले में मेरा मुकाबला करेगा। ये किसको लड़का था? हजरत अली को। हजरत अली भी आगे बढ़े और फरमाया अनल्लज़ी सम्मत उम्मी हैदरा कलैसे बातिल करीम मंज़रा, फरमाया कि तू मुझे बच्चा कहता है, मेरी माँ ने मेरा नाम बबर शेर रखा है, मैं जंगल में पलट पलट कर हमला करने वाले उस बबर शेर से भी ज्यादा खतरनाक। शाम हुई तो एक सराय के अंदर ठहरा,
अब उसने खुद के पे टांग दी नारायण ज्योतियां हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जो कुछ पास था असासा उससे कुछ खाना वाना खरीदा खाया और सो गया। अब उधर से हजरत अमीर खुसरो जो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के आशिक थे सादिक थे वो फौज के साथ में उन्होंने पड़ाव किया और रात में अचानक बुलंद आवाज से पुकारने लगे बुए पीर भी आए बुए पीर भी आए मेरे पीर की खुशबू आ रही है। इतने वक्त क्या हो गया मेरे खुसरो तुम्हें पीर की खुशबू कहां देरी तुम्हारे पीर निजामुद्दीन औलिया और कहा यहाँ पर पीर की खुशबू नहीं मेरे पीर की खुशबू आ रही है मेरे पीर की खुशबू आ रही है। ये कहते हुए दीवाना वाल झूमने लगे आगे इधर उधर ढूंढने के लिए निकले कहा क्या मामला है जो एक सराय थी कहा भाई यहाँ पे कुछ नहीं एक सराय है बोले इसी में से आ रही है। अंदर गए खुशबू ने पता बता दिया उस कमरे की तरफ बढ़े जिस कमरे की तरफ से खुशबू आ रही थी। दरवाजा खटखटाया तो देखा कि एक आदमी को मुसाफिर है सोया हुआ है उसे उठाया और उठाने के बाद में उससे कहा भाई तुम कहां से आओ कहा दिल्ली से किसके पास से कहा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पास से कहा कुछ लाए हो अरे कुछ मत पूछो क्या लाए हो कहा कुछ दिया कुछ मांगने गए थे अरे बोले बड़ा सुना था नाम सुन के गया था लेकिन वो टूटी हुई जूतियां थैले में रखी है वो दिए कहा वो जूतियां उतारो जूतियां उतारी पहले तो चूड़ी और सर पे रख के रस करने लगे ये ज्यादा देख रहा है कि मोहरा क्या है बाजरा क्या है टूटी हुई जूतियां कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है मेरे पास सिर्फ 7 लाख दीनार 7 लाख से क्या है मेरे पास 7 लाख का नाम सुना तो वो तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया 7 लाख मैं तुझे देता हूं और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है जूतियां मुझे दे 7 लाख सिक्के तू ले ले ये जूतियां मुझे दे दे टूटी हुई जूतियों के बदले में 7 लाख सिक्के मुझे कौन दे रहे वो बेटा कहा मैं देता हूँ चल चल मेरे पास है देख ले तुझे यकीन ना आए और अगर वो भी कम लगे तो घर चल इतने हिस्से के तुझे इतने ही काफी है जैसा इतने ही काफी इतने ही मुझे दे दो मेरे तो 12 किनारे हो जाएंगे मेरी तो 7 नस्लें बन जाएंगी 7 लाख सिक्के वो झूठिया हजरत अमीर खुसरो ने अपने सर पे रखी 7 लाख सिक्के उस सैयदजादे को दिए वो भी गुनगुनाता हुआ गीत चला हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के और हजरत अमीर खुसरो सर पे झूठिया रखकर दिल्ली के तरफ चले कई दिन के मुसाफिर पैदल नंगे पांव दिल्ली पहुंचे तो पीर की बारगाह में बड़ी शान के साथ झूठिया सर पे रखी है और पहुंचे और जैसे ही पीर ने देखा फरमाया पिसियार
जब
तो रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? चार। याद रखना है, पढ़े लिखे वाली बात है। किसी के सामने कहोगे तो समझेगा कि भाई ये तो लग रहा है शायर, ये असनाफे शायरी भी जानता है। रुबाई उसकी बहरें भी अलग होती है, आम शायरी की बहरें अलग होती है, लेकिन रुबाई की भी चंद बहरें। तो रुबाई में चार मिसरे होते हैं, जब तक चार मिसरे पूरे नहीं होंगे, जब तक वो शेर मुकम्मल, एक शेर बनता है चार मिसरों से, चार टुकड़ों से मिलकर। तो हजरत अमीर खुसरो एक रुबाई लिख के ले गए अपने पीर की बारगाह में। लिखना, उठना, बैठना जिसकी सारी जिंदगी अपने मुर्शिद के लिए हो, अपने पीर के लिए हो, उन्हीं ने तो लिखा था छाप तिलक सब छोड़ के मोसे ने। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के शागिर्द भी थे, मुरीद भी थे, चहीते और चहीते कितने। फरमाते का कयामत के दिन अगर मुझसे रब ने पूछा है निजामुद्दीन क्या लाया है, तो कह दूंगा मेरे खुसरो के साथ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर शरीयत का मसला अगर माने न होता तो वफात के बाद मैं ये वसीयत करता कि जिस कब्र में मुझे रखा जाए अमीर और खुसरो को भी उसी में रखा। बेशक सुभान अल्लाह। और मुरीद भी वैसे ही आशिक के साथ थे। जब रुबाई सुनाई तो पीर ने फरमाया कि अमीर खुसरो रुबाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं। तारीफ अगर की जाए, अभी ये कुछ हमसे कहें कि ये दे दीजिए तो बहुत अच्छा कला यहाँ फलाने का कलमजो को ज्यादा अच्छा है, तो इन्हें हट हो। तो हजरत अमीर खुसरो को तारीफ तो बहुत मिली, दाद बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं। अच्छा, हार मानने वाले तो नहीं थे, घर गए, दूसरे दिन फिर दूसरी रुबाई लिखी और वो सुनाई। पीर ने सुनी, महबूब इलाही ने फरमाया रुबाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन शेख सादी की रुबाई का जवाब नहीं है। तीन दिन तक लिख लिख कर ले जाते रहे, जवाब यही मिला, अरे वाह ये रुबाई तो कैसे भी ज्यादा अच्छी है, बड़ी शानदार है, मगर शेख सादी की रुबाई का जवाब सरकार की चार खूबियां बयान की है। पहले मिसरे में मेराज है, किसी में हुस्न है, किसी में मौजदात है, और एक में सरकार पर दरूद है, जो चौथा मिसरा है। तो इसीलिए तारीख है, जब शेख सादी ये रुबाई लिखने चले तो उन्होंने तीन मिसरे तो बड़ी जल्दी लिख लिए, लेकिन अभी शेर मुकम्मल नहीं हुआ, चौथा मिसरा तो बन ही नहीं रहा। अब तीन मिसरे बन गए, कभी घर के अंदर कभी बाहर। जो शायर होते हैं ना, बड़ा बेचैनी होती, खाना पीना छोड़ देते, पहले मिसरा मुकम्मल होना चाहिए, पहले कला मुकम्मल चाहिए, बड़ी दिमाग की होती है। जो लिखने वाले हैं ना वो जानते हैं, कोई शायर होता वो बोल होता कि हम ठीक है। तो तीन मिसरे हो गए, चौथा मिसरा नहीं होना है। हजरत शेख सादी कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर, खाना खाया, ईशा की नमाज पढ़ी और उसके बाद में फिर टहलना शुरू किया हुआ, और वही कमाल पे बना गलूला पे कमाल
ही कशप तुझा में जमाल ही हसरत जमी उठ सारी सनी बंदा परेशान हो गए चारपाई पे जाके लेट गए तकिया सर के नीचे है और बस फिर गुनगुना रहे हैं कि सोते सोते टाइम तक छोड़ना नहीं हिम्मत नहीं हारनी सोने के बाद में पहले मिस्रा हो मुकम्मल करेंगे। अब चारपाई पे लेट गए और लेटने के बाद आंखों में इत्तेफाक से नींद आने लगी। नींद तो अपना काम करती है ना, नींद आने लगी लेकिन जवाब में क्या है बाला गलूला बिकमाल ही कशफ तुजा बिजमाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही आंखों में नींद आ रही है बस बंद होती जा रही है और नींद का नशा गारी होता चला जा रहा है बस हसनत जमी ओ खिसाल ही हसनत जमी ओ खिसाल ही आंखों में नींद आ गई। सरकार सामने तशरीफ लिया फरमाया पढ़ दे सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही बलगलूला बिकमाली कशफ तुजा बिजमाली हसनत जमी उफ़साली सल्लु अलैहि व आलिही। इसके लिए तारीफ। अब ये हजरत शेख सादी गुरुबाई जवाब नहीं है मेरे खुसरो को करीब बुलाया और फरमाया जरा इधर आ आंखें बंद कर उल्टी ही चाल चलते हैं दिमाग गाली आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए जब ये कुछ दिखाना चाहते हैं ना तो दुनिया रास्ता भूल गए ताकि इस बाबे से पूछ लो जंगल में बैठा हुआ है और तो कोई नजर नहीं आ रहा है कि हमारा रास्ता फला जगह जाना है किधर से है बाबा से पूछ लिया बारात वालों ने। अब बाबा तो था ही बैठा हुआ इंतजार में कोई पूछने वाला तो मिले हम तो सब माइन का कर्म है कोई साहिल ही नहीं राहत दिखलाए किसे रहे रहे मंजिल बाबा के इंतजार में बैठा हुआ था। इस बाबे से पूछ लो बाबा के पास में गए हुजूर हम मंजिल का पता भूल गए हैं आप बता दोगे फरमाया मंजिल बता दे या मंजिल दिखा दे कारण दिखा दो तो इससे अच्छी क्या बात है फरमाया कि आंखों को बंद करो इतनी ही चाल चलते हैं दिमाग का रेश आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए जैसे ही बरात वालों ने आंखें बंद की तो सामने मुस्तफा का हरियाला आपको नजर आ रहा था आंखें खुली तो कर लिया मोहम्मद रसूल देखते क्या है कि मुस्तफा का दीदार मुस्तफा का दरबार सजा क्या देख रहे मुस्तफा का दरबार सजा हुआ इधर बड़े नूरानी चेहरे वाले अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की शान क्या होगी इधर भी बुजुर्ग बैठे हैं इधर भी बुजुर्ग बैठे हैं और दाहिनी तरफ हजरते शेख सादी शिराजी खड़े हुए यही शेर गुनगुना रहे हैं बला गलूला बेकमाल ही कशफ तुजा बिजमाल ही हसनत जमी उफ़साल ही सल्लु अलैहि व आलिही। जब इस चौथे मिसरे पर पहुंचते हैं पूरी जब रुबाई खत्म हो जाती है तो आका फरमाते हैं शेख सादी फिर से पढ़ तेरी रुबाई का जवाब नहीं है शेख सादी की रुबाई का जवाब तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से निकला हुआ था तारीफ भरपूर थी लेकिन आका ने जो फरमाया कि शेख सादी की रुबाई का जवाब तो ये रुबाई जब इन्होंने गुफ्तगू की तो मुझे याद आई कि ये रुबाई
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मत, ऐसे कहना चाहिए सरकार की जिंदगी को चार हिस्सों में बांटना और पूरी जिंदगी के गोशों को एक रुबाई बनाया। क्या खूबसूरत, इतनी जाम रुबाई आज तक किसी ने सरकार की शान में लिखी। मैंने अर्ज किया था ना इब्तदा के मौलाना ताजिम कदीरी साहब ने बहुत कुछ वाज़ेह बयान फरमा दिया, इसमें कुछ ऐड करूँगा। इन्होंने बताया कि किसी की भी तरक्की का जरिया, किसी की भी तरक्की हो उसमें माँ बाप का अहम किरदार होता है। बाप बगैर पढ़ा ले तो वो तो क्या हुआ, माँ बगैर पढ़ी लेती तो क्या हुआ। किसी की माँ आलिमा जाहिदा हो जरूरी नहीं है कि बच्चा उसका कभी तरक्की करे। माँ कैसी भी हो, दुनिया में दो ही तो रिश्ते हैं, एक माँ बाप का रिश्ता है जो चाहते हैं कि उनका बेटा उनकी बेटी उससे आगे बढ़े, बोलो गलत है सही है। भाई भाई के अंदर विफाक हो सकता है कि भाई उससे आगे ना बढ़ जाए, है ना। बहन बहन के अंदर हो सकता है, घर घर में हो सकता है, लेकिन एक बाप और औलाद का रिश्ता ऐसा है कि माँ बाप ये चाहते हैं कि उनकी औलाद उससे आगे बढ़े। और एक पीर और उस्ताद अगर मुरीद और शागिर्द बावफा है, वफादार है, तो वो भी ये चाहते हैं कि उनका मुरीद उनका शागिर्द उनसे आगे बढ़े, है ना। यही सच्चाई है। तो बहुत सारे बुजुर्गों का नाम लिया कि उनकी जिंदगी की तामीर में माँ का अहम किरदार रहा, इसीलिए तो फरमाया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत। लेकिन आप बाप को इग्नोर नहीं कर सकते हो, बाप जन्नत का दरवाजा है। दरवाजा खुलेगा नहीं तो जन्नत पे जाओगे कैसे। मैं तो ये कहता हूँ कि बाप का माँ से भी ज्यादा किरदार होता है। माँ कह लेती है, अपना प्यार जता लेती है। क्या बात, बहुत माँ अपने बच्चे की गलतियों को नजरअंदाज कर देती है, उसके मुस्तकबिल के बहुत सारे पहलुओं को नजरों से छुपा लेती है, लेकिन बाप के सीने में जो मोहब्बत का समंदर कांटे मारता हुआ होता है वो उसको दिखाता नहीं है, दबाता है, छुपाता है। माँ दिखा देती है, बाप छुपाता है। बाप भी बहुत बड़ी नेमत है, सूरज की तरह है कि निकला हो तो गर्मी थोड़ी बहुत तो देता है, लेकिन रोशनी से दुनिया मुनव्वर भी तो करता है। अगर बाप चला जाए तो ऐसा अंधेरा जिंदगी में आता है कसम खुदा की कि उसको दूर करने वाला भी होता है। लेकिन ये तो नेमतें वो है कि जब तक ये होती है ना, जब तक एहसास नहीं होता है। माँ का किरदार अपनी जगह है, बाप का रोल अपनी जगह है। अभी इन्होंने कहा कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रजी अल्लाह तआला हो बचपन में उनकी करामत बयान की। 15 साल की उम्र में मालूम है कहाँ मुरीद होने के लिए गए, हजरत शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी जो सोहरवर्दी सिलसिले के बानी है उनके यहाँ गए खानकाह में मुरीद होने के लिए। कितनी उम्र में, 15 साल की उम्र। कितनी तरबियत दी थी माने अल्लाह अकबर, तरबियत का आरम तो देखें, विलायत की कितनी मंजिलें माने तय करा दी। माँ भी कोई बड़ी मुर्शिदा नहीं, कम छोटी मुर्शिदा नहीं थी, बहुत बड़ी थी। अल्लाह अकबर, फरमाया ना कि मैं दरूद जब तक पढ़ नहीं लेती हूँ, वुजू नहीं कर लेती जब तक अपने बच्चों को दूध नहीं पिला लेती। कैसी तरबियत फरमाई होगी। गए मुरीद होने के लिए, वहां पर एक कनीज थी उनके खानकाह में जो वुजू के लिए पानी लाती थी, फरमाया कि मुरीद करेंगे गुस्ल कर लो। गए, खादिमा ने जो उसके हाथ में बर्तन था पानी का वो डालना शुरू किया और आपने इस तरह से हाथों को धोना शुरू किया। यहाँ पर भी इम्तिहान था। अब वो गैर महरम की कनीज थी, खातून थी, उसकी तरफ इस तरह से टकटकी बांध के नजर इस तरह से देखते हैं। अब कितने लोग बैठे, बोले अजीब नौजवान मुरीद होने के लिए आया, जिस खानकाह में आया वहां की खानकाह की कनीज चेहरे से अपनी नजर ही हटा रहा है, देखे जा रहा है। दुनिया तो दुनिया है, उस आहिर को देखती है,
पूरा पानी उस शरीर का आपके हाथों में इसी तरह से करते रहे, इसी तरह से करते रहे, इस तरह से सारा पानी गिर गया। मतलब जब पानी खत्म हो गया उसके बाद उसकी पेशानी से निगाह उठाई, लोगों ने भीड़ से कहा अजीब नौजवान है 15 साल का, कनीज के चेहरे से नजर नहीं उठाता। हुजूर मुरीद हो गया, फरमाया जरा का कनीज के चेहरे से नजर क्यों नहीं हटा रहे थे? कहा हुजूर मेरी मुहसिना थी, उसने मेरे लिए वुजू के लिए पानी का इंतजाम किया। सुनाए कि जमाने साहब की खानकाह में काम करती है, खिदमत करती है, जायरीन के मेहमान नवाजी करती है। जब वो पानी लाई और उसने मेरे हाथों पर पानी डालना शुरू किया और मेरी नजर उसके चेहरे पर जब पड़ी तो मैंने पेशानी पे जहन्नमी लिखा हुआ देखा। अब बड़ा अफसोस हुआ, सदमा हुआ कि खानकाह में काम करने वाली खादिमा रातों दिन अपनी जिंदगी जायरीन की सेवा में वक्त करने वाली खादिमा के चेहरे पर पेशानी पर जहन्नमी लिखा है। जब पानी डाला तो मैं पानी से लोहे महफूज का वो जहन्नमी नजर था की गठरी
जल्दी खोल कर देखो, फरिश्ते कहेंगे मौला मुकम्मल गर्शी अच्छी भली है, नमाजें भी बहुत है, रोजा भी है, हज भी है, ज़कात भी है, तो रब्बे कायनात फरमाएगा अरे नादानों ये देखो कि माँ बाप की इज्जत और फरमा बरदारी भी है या नहीं है। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी नहीं है तो इनकी नमाजें रोजे हज और ज़कात इनके दूर पर मार दो, इसलिए तो खुदा को वो इबादत पसंद नहीं है जो माँ बाप को ना तुम्हारे साथ तुम परदेश में भी हो तो माँ बाप की दुआएं तुम्हारे साथ चलती हैं। हजरत मूसा की वालिदा का जब इंतकाल हो गया, विसार हो गया और जब आप घर से निकले तो रब ने फरमाया मूसा संभल के निकलना, मौला अभी तक तो निकलता था, कभी तूने हिदायत नहीं फरमाई, जरा एहतियात में निकलना। फरमाया इसलिए कि तेरी वालिदा हयात थी, जब तू बाहर जाता था तो तेरी माँ तेरी अदम मौजूदगी में तेरी सलामती और तहफ्फुज के लिए अपने हाथों को उठाकर दुआएं करती थी और तेरी तहफ्फुज और सलामती के लिए उठने वाले हाथ ये माँ बाप की कदर करो। तुम्हें पता नहीं है कि गैब से इनके हाथ तुम्हारी मदद करते हैं, इनके दुआएं तुम्हारे साथ चलती। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। न दुनिया में कुछ हाथ आने वाला है और न आखिरत में कुछ हाथ लगने वाला है। अगर माँ बाप कितने भी जुलूस निकाल लेना, कितने भी जलसे कर लेना, कितने भी उम्रे कर लेना, कितने भी हज कर लेना, अगर वालिदैन नाराज चले गए तो इससे बड़ी बदनसीबी कुछ नहीं हो सकती है। जिहाद करना का वली नमाज से भी पहला फरीजा था, ऐसे वक्तों में अल्लाह के नबी ने जिहाद से सहाबी को मना फरमाया और फरमाया कि तेरी बूढ़ी वालिदा घर पर है, वो उनकी खिदमत कर, यही तेरा वली फरीजा जिहाद। इतना बड़ा इनाम है अपने वालिदैन के साथ में हुस्न सुलूक करने का। दुनिया में अगर कोई मकाम पाना है तो माँ बाप को खुश रखो, आखिरत में कोई मकाम पाना है माँ बाप को खुश रखो। माना कि तुम्हारी शादी हो जाए, उसका हक तुम्हारे ऊपर जरूरी है, लेकिन एक बात याद रखे, औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी बोले माँ का है, मर्द के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी माँ का है और औरत के ऊपर सबसे बड़ा हक उसकी के उसके शौहर का, औरत पर सबसे बड़ा हक उसके शौहर का है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर किसी गैरुल्लाह के आगे सजदा करने का हुक्म होता तो बीवियों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करे। अपनी बीवी का हक अदा करना चाहिए, लेकिन उसके लिए माँ बाप का दिल हरगिज नहीं दुखाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बीवी को माँ बाप का दिल दुखाकर ही खुश रखा जाए, आपके अंदर अपने सलीम होना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी का दामन मत छोड़ो, इंशाअल्लाह दुनिया भी तुम्हारे कदम चूमेगी, आखिरत की कामयाबी भी तुम्हारे कदम चूमेगी। एक आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, कसाई था। कसाईयों की जिंदगी कैसी होती है आप जानते हैं, कसाईयों की जिंदगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ परवरदिगार आलम, कल कयामत के दिन मेरा जन्नत में पार्टनर कौन होगा, रफीक कौन होगा, साथी कौन होगा, कमरे में साथ में रहे तो रूम पार्टनर हो गया है, घर में रहे तो होम पार्टनर हो गया, सफर में रहे तो जर्नी पार्टनर हो गया नहीं होगा, तो जन्नत में मेरा साथी कौन होगा जहां पर मुझे हमेशा रहना है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो एक कसाई, क्या फरमाया, अच्छा आप जो सोचते होंगे कोई बड़ा बहुत बड़ा मुहद्दिस होगा, अपने वक्त का कोई बहुत बड़ा मुजद्दिद होगा, अल्लामा होगा, लेकिन कसाईयों की जिंदगी आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी होगी, कुछ है माशाल्लाह अच्छे भले, वरना जिंदगी वरना पूरा दिन उनका झूठ।
पता कुछ हो तो बड़ा मत मानना, सब लोगों को ले जाते तो जिंदगी। मैंने कसाई में इमामत बहुत की है, मैं उनके सामने भी बयान करता हूँ जी, कोई बात नहीं है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है ना, और यहाँ पर उसको बुरा नहीं कहा जा रहा है। हजरत मूसा का रफीक होगा जंगल में, पार्टनर होगा, कोई मामूली बात है। हम सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा फकीर होगा, मुफ्ती होगा, मुहद्दिस होगा, भाई यही तो बात जहन में आ गई, लंबी दाढ़ी होगी, सर पे अमामा रखा होगा, नीचा कदमों तक जुब्बा होगा, ये सब तो सबरात तो आएंगे जहन में, लेकिन ऐसा नहीं है। कसाई हजरत मूसा की भी हैरत बढ़ गई, कसाई अच्छा मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरा पार्टनर कसाई, वो मेरा रफीक, जन्नत का साथी मिलेगा कहाँ। अल्लाह ने निशानदेही फरमा दी, अब ये पहुंच गए देखने के लिए। हजरत मूसा तो वैसे भी बहुत जिस बात की ठान लेते थे पूरा करते थे, उसको ठान लिया, उस मिलना है तो मिलना है, पहुंच गए तो उसकी दुकान थी जहां पर वो गोश्त बेचा करता था, उसकी दुकान के सामने खड़े हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और देखते रहे इसका कौन सा ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से जन्नत में अल्लाह ने इसको मेरा रफीक और साथी बना दिया है। कोई खास बात नहीं, वही ग्राहक आते रहे, गोश्त की बोटियां बना बना के बेचता रहा। शाम का जब वक्त हुआ तो उसने अपनी दुकान को बंद किया और थोड़ा सा गोश्त की बोटियां बनाई अपने थैले में रखी और घर की तरफ जाने लगा। हजरत मूसा पीछे पहुंचे, सलाम अलैकुम किया, उसके बाद में कहा कि जनाब मैं आपका मेहमान कुछ देर के लिए बनना चाहता हूँ, तो आजकल का जमाना होता नहीं, पहले आधार कार्ड दिखा, रहने वाला कहा है, पैन कार्ड दिखा, ये बता तू है कौन, नाम क्या है, ऐसे में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि माहौल ही इतना खराब है। वो जमाना बड़े सिद्ध और साफ लोगों का हुआ करता था। हाँ अरे बड़े खुश हो गए, चलिए मेहमान मेहमान नवाजी करने का कुछ मौका मिला, घर ले गए। अब उस कसाई ने कहा हजरत मूसा से कि आप बैठिए, तशरीफ रखिए, मेरी थोड़ी सी मसरूफियत है, उसके बाद अभी आया मैं और उसके बाद आपकी खिदमत करूंगा, आपकी मेजबानी करूंगा। कहा कोई बात नहीं, आप अपने मामूलात से फरागत पा लीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठते रहे, तुम तो रीड करने के लिए आए थे, वो तो मुताला करने के लिए आए थे कि माजरा क्या है, अमल इसका ऐसा कौन सा है। उस शख्स घर में गया और उसने बोटियों को निकाला, धोया, पतीली में रखा, कुछ मसाला डाला और एक पतले शोरबे दार वो गोश्त बनाया, और जब कम कर वो झरझरा शोरबा तैयार हुआ तो चंद चपातियां डाली और एक चपाती को उठाया और थोड़ा शोरबा लिया, चारपाई की तरफ बढ़ा तो चारपाई पर एक खातून लेटी हुई थी कि जिसके जिस्म पर गोश्त नहीं था, खाली खाती बिल्कुल लबेदम एक खातून चारपाई पर लेटी हुई थी। तो चारपाई के करीब गया, अपने हाथ से वो रोटी रखी, उस औरत को सहारा दिया, चादर हटाई और अपने मुंह में वो रोटी चबाई और चबाने के बाद में थोड़ा शोरबा लगाया और उसके मुंह में दिया, चंद निवारे उसके मुंह में बमुश्किल उसने खाए, रोटियां चबाता गया और शोरबे में लगाकर उसके मुंह में रखता गया और उसके हाथ से नीचे उतरते गए, चंद नखने के बाद उसने इस तरह से हाथ से भरा कर दिया, इसने हाथ धोया, उसके मुंह पर मारा और अपने रुमाल से अपने कपड़े से उसका चेहरा साफ किया और चादर उड़ाई और वापस आकर हजरत मूसा से अर्ज किया, हुजूर का मैं फाजिल हूँ और मैं आपकी मेजबानी के लिए हाजिर हुआ हूँ। हजरत मूसा ने पूछा, फरमाया कि मेजबानी तो बाद में करना, ये बता कि ये मामला क्या है, ये खातून कौन है। कहा हुजूर ये मेरी माँ है जो बहुत लंबी तवील बीमारी में मुब्तला है और इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि हुजूर उठ भी नहीं सकती है, बैठ नहीं सकती है, खा भी नहीं सकती और दांत भी नहीं है और चबा भी नहीं सकती है, इसलिए मैंने रोटी चबा कर उनके मुंह में रखी। कहा कि अच्छा ये मामला है। फरमाया कि अच्छा जब तुम चादर उसके मुंह पर हाथ फिरा रहे थे तो उसने इस तरह से हाथों को थोड़ा हिलाया था कपकपाते हुए और उसने अपने जबान से कुछ बुदबुदा कर कहा था, कुछ कहा था, वो क्या कहा था। अरे हुजूर वो तो दुआ देती है ना, माँ है तो उसकी जब भी मैं खिदमत करता हूँ तो वो दुआ देती है, वो दुआ देती है, दुआ देती चली आई है। आप क्या दुआ थी। अरे हुजूर मैं कहा इसलिए बहुत बड़ी दुआ देती है। कहा क्या दुआ देती है। अरे बता तो दे। अरे नहीं नहीं छोटा मुंह बड़ी बात होगी हुजूर, मैं आप मेहमान में आपकी मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार हूँ, मत पूछिए कि क्या। फरमाया नहीं नहीं मेहमान नवाजी बाद में करना, सबसे बड़ी मेहमान नवाजी है पता कि उस तेरी माँ ने तुझे दुआ क्या दी है। तो उसने कहा हुजूर मत पूछिए, बहुत बड़ी दुआ देती है। क्या पता। फरमाया अर्ज किया हुजूर जब मैं उसकी खिदमत करता हूँ और खाना खिलाता हूँ तो वो दुआ देती है कि या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का
अल्लाह हमने तेरी मांगी तो आपने कबूल कर लिया है, जन्नत में भी तू मेरा रफीक है और दुनिया अपने निकाह जो होने वाला है कल अल्लाह तबारक व तआला बाइज्जत दोनों खानदानों के लिए बायस मसरत और शादमानी बनाए और जैन तरफ़ैन की जिंदगियों में बहारे अता फरमाए। दोस्तों।